जय हिंद। कैसे आप लोग हैं? तो आप लोग के लिए आज लाया हूं मैथ का चैप्टर नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हो और कंटिन्यू अगर वीडियो आपने छोड़ दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। ऐसे प्लेलिस्ट में चेक करोगे सारा चैप्टर वाइज, और अगर एक बार आपने इस चैप्टर को देख लिया तो मैं बता रहा हूँ आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब अगर बात किया जाए तो वीडियो देखने के बाद 75% कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि सर छाप के आएंगे एग्जाम में, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देख लिया तो। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे भी ढेर सारा सवाल बनता है। इससे तो मतलब इतना हल्का का सवाल बनता है कि आप सवाल को देखोगे और टप से आंसर मारोगे, ठीक है ना। बस आपको जानने की जरूरत है, इसका नॉलेज रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव सवाल ही पढ़ाएंगे, लेकिन सबका बेसिक कंसेप्ट करेंगे, एकदम नीचे से उठाएंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। जो जो टॉपिक इस चैप्टर में उसका पूरा बताएंगे ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको पढ़ते हो तो मैं बताता हूँ कि एग्जाम में 100% बता रहा हूँ, 100% इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला है। इतना जितना सारा इंपॉर्टेंट था सारा कुछ इसमें हमने बातें डाल दी है। तो चले शुरू करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले क्या, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात है, एक डायग्राम से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हो तो इससे ढेर सारा सवाल क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए ये एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष है। ये क्या है? एक्स अक्ष है। और ये क्या है? ये है वाई अक्ष। एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष होता है ऐसे सुता हुआ, है ना, क्षैतिज बोलते हैं। और वाई अक्ष क्या है? उदग्र, खड़ा है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एक्स डैश बोल देंगे, इसको वाई डैश बोल देंगे। अब देखो जहां पे ये वाला ये वाली रेखा यानी कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहां पे कटा है उसका नाम है, उसका नाम क्या है? उसका यहाँ उसका नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? यहाँ पे जो है उसका नाम क्या है? मूल बिंदु। याद कीजिएगा उसका नाम क्या है? मूल बिंदु जो है उसका नाम है। यहाँ सवाल बनेगा, और मूल बिंदु का मतलब हुआ, अच्छा आपने शुरू में पढ़ा होगा भाई कि जो यहाँ कोई रेखा होता है तो देखेंगे एक पॉइंट जीरो है, यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 3, और अगर बाएं तो -1 -2 -3 जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जहां पे कटती है दो लाइन, जहां पे कटती है तो ना तो ऊपर गई ना तो नीचे गई, एक पॉइंट पे आ गया, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यानी कि 0 0, दोनों क्या है? 0 0 पे है। तो यहाँ पे जो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु क्या रहेगा? 0 0 रहेगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पे पढ़ना क्या, निर्देशांक। ये चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक। निर्देशांक देखिए चैप्टर का नाम है निर्देशांक। निर्देशांक को नियामक भी बोला जाता है। निर्देशांक को क्या बोलते हैं? नियामक भी कहते हैं। तो दोनों नाम याद कीजिएगा, निर्देशांक बोलेगा या नियामक बोलेगा, एक ही चीज है। और कोई भी कहीं पर भी हमको दर्शाना है पॉइंट, कहीं पर पॉइंट दर्शाना है तो पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं? जब भी पॉइंट दर्शाना है तो कैसे दर्शाते हैं? अगर किसी चीज का निर्देशांक लिखना है तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स और वाई के फॉर्मेट में। तो कहीं पर भी बिंदु अगर दे दें उसका बोले निर्देशांक बताइए, तो शुरू में x का वैल्यू होगा, बाद में y का वैल्यू होगा, ठीक है। x का वैल्यू होगा, बाद में y का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे x और y जहाँ पे कोई नंबर लिखा रहेगा, 2 3 5 6 कुछ भी यहाँ पे लिखा रहेगा। एक बात और समझ लो, जो x से वाला है ना, इसका नाम है, इसका नाम क्या है? भुज। क्या नाम है? x अक्ष का नाम है भुज, और y जो अक्ष है इसका नाम है कोटि। तो तुम्हारा यही से सवाल बनेगा जो कि हम अभी ढेर सारा सवाल करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो x अक्ष को भुज बोलेंगे, y अक्ष को कोटि बोलेंगे। जब भी निर्देशांक लिखना है तो किस फॉर्मेट में? x और y के फॉर्मेट में होगा, ठीक है ना। यानी कि पहला x होगा हमेशा, अगर माने कि 2 और 4 लिख दिया था तो याद रखिये ये हमेशा एक्स है, ये क्या है? वाई है। इस बात को याद कीजिए, शुरू में एक्स फिर बाद में वाई, ऐसे भी एक्स वाई आता है, एक्स पहले बाद में वाई आता है ना। चलो तो x को बोलेंगे भुज, y को बोलेंगे कोटि। अब जहां पे दोनों रेखा मिला उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे समझे, ये जो पहला यहां पे देख, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये चतुर्थांश। क्या है? चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। कभी कभी चतुर्थांश को बोलता है प्रथम पाद भी बोला गया, ठीक है ना, प्रथम पाद। यानी कि और क्या होता है इंग्लिश में बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड, दूसरा चतुर्थांश। इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि चौथा चतुर्थांश, ठीक है। इस बात को अच्छा, अब ये जो हमारा जो एक्स अक्ष है तो दाएं तरफ कौन सा वैल्यू है? दाएं तरफ ++++1+2+3, है ना। दाएं तरफ क्या है? प्लस प्लस जा रहा है। दाएं तरफ क्या है? प्लस प्लस। और बाएं तरफ क्या है? माइनस।
ठीक है, उस तरह से ऊपर जब जाएं तो ऊपर जा रहे हैं तो वाई यहां से ऊपर जो है प्लस का वैल्यू है, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, और उस तरह से नीचे जाएंगे तो क्या होगा माइनस का वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा अगर कोई भी बिंदु, अगर कोई बिंदु इस ग्राउंड के अंदर होगा, अगर कोई बिंदु यहां पे इस बॉक्स के अंदर है तो एक्स कहां पे होगा, ये वाला एक्स होगा और वाई ये वाला होगा, ये वाला एक्स होगा और ये वाला क्या होगा वाई होगा, तो ये तो एक्स प्लस में है, ये वाई भी क्या है प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी रहेगा वो दोनों प्लस में रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा। दूसरा चतुर्थांश की बात कर ले तो दूसरा चतुर्थांश में आपको मैंने क्या बोला निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई, पहले एक्स बाद में वाई, तो दूसरा चतुर्थांश की बात करें तो ये एक्स है और ये वाई है इस बॉक्स में, इस कैटेगरी में इधर एक्स है इधर वाई है, तो पहले एक्स क्या है देखो माइनस में और वाई क्या है प्लस में, तो दूसरा चतुर्थांश कैसे रहेगा माइनस और प्लस में रहेगा। तीसरा चतुर्थांश की बात करें तो ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस है, तो इसमें देखिए एक्स इधर है वाई इधर है, तो एक्स भी माइनस में और क्या वाई भी माइनस में है। चौथा चतुर्थांश की बात करें तो एक्स देखो इधर है वाई नीचे, हमेशा निर्देशांक एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो एक्स क्या है देखो एक्स क्या है प्लस है और वाई क्या है माइनस है, यहां से आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा और हर एक्स ऑब्जेक्टिव आता ही एग्जाम में पूछ लेता ही सवाल, एग्जाम में सवाल बनता ही, एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, तो आपको इससे सवाल बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पे रहेगा, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पे रहेगा तो वाई ऊपर ना जाएगा ना तो नीचे जाएगा, अगर एक्स अक्ष पे है तो ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु वैल्यू है तो वाई का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अगर वाई पे कोई बिंदु है वाई पे कोई बिंदु तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब सवाल से शुरू करते हैं तो इस डायग्राम से ढेर सारा सवाल क्लियर होने वाला। जैसे देखो यहां पर बोला गया मूल बिंदु का नियामक इनमें से कौन है, नियामक या निम्नलिखित, तो मूल बिंदु बोला जाएगा तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा जीरो जीरो, क्या हो जाएगा मूल बिंदु जीरो जीरो, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है क्या किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, देखिए कितना अच्छा सवाल बोला गया, कोई हमारा बिंदु है एक्स है वाई है, एक्स अक्ष से दूरी ध्यान समझिए यहां पर ऑप्शन छुपा हुआ एक्स, ये वाला एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष से दूरी, चाहे हम एक्स अक्ष से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो ऊपर किधर बढ़ेंगे वाई की तरफ बढ़ेंगे और नीचे बढ़ेंगे तो भी वाई की तरफ बढ़ेंगे, तो वाई की तरफ जो बढ़ते हैं यानी कि वाई का जो वैल्यू ज्ञात होता है, तो वाई अक्ष क्या बोला गया, मैंने बोला ना वाई अक्ष क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, चूंकि इधर वाई की तरफ बढ़ रहे, अगर बोलेंगे वाई का मान वन तो यहीं तक जाएंगे, दो तो आगे बढ़ेंगे, तीन तो जितना बढ़ेंगे वाई का वैल्यू ये आगे बढ़ते जाएगा, तो मतलब वाई का अक्ष का हम क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बोलता क्या किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, अब सेम सवाल उसका जस्ट उल्टा बोला, ये x है ये y है, तो y अक्ष से दूरी लेना ना, ये y अक्ष है तो ये दूरी हम इधर जाएंगे चाहे हम दूरी इधर जाएंगे, चाहे नीचे से भी जा सकते हैं इधर और इधर जा सकते हैं, तो जो इधर बढ़ रहे हैं किसकी ओर बढ़ रहे हैं, ये जो ऐसे जो रेखा है वो x वाला है, ऐसे अगर जाएगा तो x की तरफ जाएगा और सीधा जाएगा तो या नीचे जाएगा तो y की तरफ जाएगा, तो ये इधर किधर जा रहे x की तरफ जा रहे, इधर भी x की तरफ जा रहे, तो x तरफ जाने का मतलब है कि उसको क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, तो अगर कोई बिंदु x की तरफ जा रहा तो भुज हो जाएगा और y की तरफ जाएगा तो कोटि हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर सवाल दे दिया है कार्तीय तल में कोई बिंदु है 8-9 में कोटि का मान क्या है, अब बताओ इसमें कौन कोटि है, मैंने बोला ना कोई भी बिंदु होता है एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है, यानी कि 8 एक्स है और वाई का मान -9 है, एक्स वाला को भुज बोला गया था वाई वाला को कोटि बोला गया था, तो कोटि कितना है -9 है, इससे हल्का सवाल बनेगा क्या। देखो आगे क्या बोलता है बिंदु -6 + 11 में भुज का मान क्या, अब फिर बोला भुज का मान तो ई एक्स है ये वाई है, तो भुज कौन होगा इसी को बोलते हैं भुज ना, एक्स वाला को भुज बोलते हैं वाई वाला क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, तो बताइए भुज कितना है भुज हो जाएगा -6। सवाल बनता है इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फटाक से आपका सेकंड में आंसर बता दीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे क्या है वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, देखिए ये ग्राफ हमारा एक्स है ये वाई है, अब वाई अक्ष पे बोला गया क्या बोला गया वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, अब वाई अक्ष पर कोई बिंदु डाल देंगे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है -1 -2 -3, तो यहां पे जब भी बोलेंगे y अक्ष पर कोई भी बिंदु जब y अक्ष पे रहेगा तो x से जीरो हो गया है ना, क्योंकि हम ना तो इधर बढ़ रहे ना तो इधर बढ़ रहे, हम सीधा कहां पे y पर है, अगर इधर बढ़ेंगे तब ना x का वैल्यू कुछ होगा तब ना भुज का मान कुछ होगा,
तो ना तो हम इधर बढ़ रहे ना तो हम इधर बढ़ रहे, वाई अक्ष पर ही है। तो जब ऐसा बोला जाएगा ना वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का मान क्या होगा, वाई अक्ष पर आपको बोला जाएगा वाई अक्ष पर क्या मान होगा, तो वाई अक्ष पर भुज क्या होगा, भुज जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई पर है। एक्स के जाने के लिए भुज, भुज का वैल्यू बनाने के लिए या तो हमको इधर जाना पड़ेगा या तो हमको इधर जाना पड़ेगा। अगर वाई अक्ष पे है तो भुज हो जाएगा जीरो, एक्स जीरो, और एक्स अक्ष पे है तो वाई जीरो, ठीक है ना। चलो अब ऐसे सवाल यहाँ पे, अच्छा एक बात यहाँ समझ लो थोड़ा सा, एक मिनट का, अगर मेरे हमारे यहाँ उम्मीद बैच चल रहा जो कि पेड कोर्स है 299 में, आपको नंबर नोट करना चाहिए 8210 42 32 00, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन प्ले स्टोर से, और वहां पे फायदा क्या होगा, सभी वीडियो रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, है ना, सभी सब्जेक्ट का सभी सवाल का पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज का वहां पे इंतजाम है, क्वेश्चन बैंक हो, मॉडल सेट हो, गेस्ट क्वेश्चन हो, और लाइव क्लास, ये सिर्फ 299 में, और एग्जाम तक एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है, एग्जाम खत्म होगा तब खत्म होगा कोर्स आपको, ठीक है, सिर्फ 299 में, और बहुत सारे बच्चे फायदा उठा रहे हैं। तो आप ऐप से ले सकते हैं या तो ये नंबर से एक बार जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पे, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण, देखिए वाई अक्ष का समीकरण, तो अगर वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, ध्यान समझिए, देखो वाई अक्ष का समीकरण मतलब, वाई अक्ष का मतलब वाई पर कोई ना कोई बिंदु है, y पर कोई ना कोई बिंदु है, एक दो तीन कहीं पे भी बिंदु, मान ले 1 है 2 है 3 4 है -1 -2 -3 है, तो y अक्ष पे समीकरण अगर निकालना चाहेंगे, देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है y बराबर 0, तो जब y बराबर 0 हो जाएगा तो y अक्ष पे होगा कहाँ, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y पे कोई बिंदु रहेगा, फिर तो x पे आ जाएगा ना, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। अच्छा दूसरा क्या, x बराबर 0, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई बिंदु y पे है तो x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब इसी को उल्टा बोलेगा, जैसे देखो यहाँ पे सवाल है x अक्ष का समीकरण क्या है, तो अगर x अक्ष के बारे में बोला जा रहा तो भाई कोई बिंदु x पर है, y पे कोई बिंदु है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0, ठीक है, सवाल सारा सवाल पूछा गया है। अब देखिए बोला गया x से 0 किस अक्ष का निर्देशांक है, देखिए x और 0, x और 0 का मतलब समझे कि x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू नहीं दिया हुआ। अब बताओ y का वैल्यू 0 कब होता है, अब बताओ आप खुद बताओ y का वैल्यू 0 कब होता है, कब होगा, जब x का मान कुछ रहेगा तब ना, जब x का मान 1 2 3 कुछ रहेगा, यानी कि x का होगा क्या होगा x, तो y का वैल्यू तो 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, चूंकि y का मान 0 है, यहाँ पे y का मान क्या है 0 है, इसलिए हमारा होगा x अक्ष का निर्देशांक। फिर बोला गया x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वही सवाल को, यही सवाल सेम सवाल, इसी को उलट दिया, देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x और 0 होगा। अब यहाँ पे जो मान ले 4 0 है, 5 0 है, कुछ ही मान सकते हैं यहाँ पे, x के जहाँ पे कोई नंबर मान सकते हैं, तो ये जो बिंदु, ये जो निर्देशांक है किसके लिए, x अक्ष के लिए है, तो वही सवाल बोला गया कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x और 0, 0 x नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, x और 0 करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू पता है 0 का वैल्यू पता ही नहीं है। आगे क्या बोलता है, देखिए बोलता है 0y, क्या बोला गया 0y, तो अब समझो 0y मतलब क्या, x 0 है, y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, x का मान 0 है, x का मान क्या है 0 है, तो x का मान 0 है तो मतलब किस पे रहेगा, ये किस पे रहेगा, x y अक्ष पे रहेगा, जब x का वैल्यू क्या हो 0 हो तो हमारा पॉइंट कहां पे रहेगा, y पे रहेगा, कोई भी बिंदु जब y पे है ना तो x 0 और y का मान कुछ भी होगा, यहाँ पे y की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। आगे बोलता क्या, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए यही सवाल सेम सवाल का उल्टा, मैंने बोला ना एक एक पॉइंट पॉइंट सवाल आपको मैं दे रहा हूं, जिससे बाहर सवाल पूछेगा नहीं, एक आध परसेंट पूछ ले, लेकिन आप इतना है कि 99% ज्यादा मजबूत हो जाओगे, आपको मजबूत कर देंगे। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष पे तो x 0 रहेगा, जब y अक्ष पे बोले तो x 0, जब x अक्ष पे बोले तो y 0, तो बोला y अक्ष पर, तो y अक्ष पर भाई तो x क्या रहेगा 0 रहेगा। आगे क्या बोलता है, कोई बिंदु 4 0 है किसी तल में हो तो वह बिंदु किस पर होगा, बताओ 4 0 को क्या समझे, x का मान कितना है 4 है और y का मान क्या है 0 है, तो मतलब x पर है y पर नहीं है, जिस पर होता है किस पे, x पे है, तो x अक्ष का होगा क्या होगा, कहां पे रहेगा ये बिंदु, x पे रहेगा,
ठीक है ना। अगर बोल दे जीरो और फोर तो ये कहां पे रहेगा बताओ, ये कहां पे रहेगा वाई अक्ष पे रहेगा, कहां पे रहेगा अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, ये होगा वाई अक्ष पे, ठीक है। चलो आगे बोलता, लो सवाल आ ही गया, हमको एग्जांपल देने से कोई फायदा नहीं, सवाल आ गया। जीरो सिक्स है तो किसी तल में इस बिंदु का स्थिति कहां पे होगा। अब जीरो सिक्स मतलब एक्स जीरो वाई छे, तो वाई पे तो है एक्स पे नहीं है, तो जिस पे है उसी का निर्देशांक होगा, वाई पे है ना तो वाई का निर्देशांक होगा वाई अक्ष। आगे बोलता है रेखा वाई बराबर चार, आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर जाएगा वाई बराबर चार। अब देखो वाई का मान चार दे दिया, वाई का वैल्यू चार, एक्स का वैल्यू नहीं मालूम, वाई का वैल्यू चार है ना, एक्स का वैल्यू नहीं मालूम। यहां बोलता है चार जीरो एक्स का वैल्यू चार, ऐसा तो नहीं बोल रहा सवाल में, हाँ बोल रहा वाई बराबर चार बोलता हूँ, वाई चार किसमें देखो इसमें चार है और इसमें चार, चलो ठीक है। लेकिन ये बोलता है दो एक्स दो, ऐसा सवाल में बोल ही नहीं रहा, तो क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा बोलो, जीरो चार, क्योंकि या इसका मतलब होता है क्या जीरो चार, यानी कि एक्स बराबर जीरो है वाई बराबर क्या है चार है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा जीरो और चार हो जाएगा। आगे सवाल बोलता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है। देखिए सवाल एक ही बात को घुमा घुमा के आपको बोला जा रहा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो मैंने बोला, अब बताओ भाई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु तो वाई का मान क्या होगा बोलो ना, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, समझ में आया। उसी तरह बोला है, अच्छा अब दूसरा सवाल इसका रुख बदल गया, इस तरह से दो सवाल कराएंगे आपको। देखिए क्या बोलता है एक्स बराबर दो, एकदम बड़ा आसान है, देखिए ये समझिए ये हमारा है एक्स है, ये क्या वाई है, ठीक है ना। अब बोला है एक्स बराबर प्लस टू, क्या है प्लस टू मानते हैं, यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, ठीक है ना, मानते प्लस टू यहाँ पे वन यहाँ पे टू, यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेगा, ऐसे खींचेंगे इसका ग्राफ। फिर बोलता है वाई बराबर माइनस दो, तो y नीचे वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन है, तो माइनस नीचे जाएंगे मान ले माइनस वन माइनस टू यहाँ पे, तो इसका ग्राफ ऐसे खिंचाएगा। तो देखो ये वाला लाइन, ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है आपस में क्या है देखो ऐसे बन रहा आपस में, तो ये जो ऐसे बन रहा तो यहाँ पे क्या बन रहा 90 डिग्री का क्या बन रहा बताओ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा, कितना बन रहा 90 डिग्री का कोण बन रहा, एक दूसरे के लंबवत, क्या बोलेंगे एक दूसरे के लंबवत बोलेंगे, ठीक है। आगे बोलता है सेम यहाँ पे एक्स से बराबर माइनस वन दे दिया, चलो तो अब x किधर जाएंगे बताओ ध्यान से, बताओ ध्यान से x किधर जाएंगे, x इधर आएंगे माइनस वन माइनस टू, तो इसका ग्राफ, अच्छा माइनस वन ही बोल रहा ना, तो माइनस वन बोल रहा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और y बराबर प्लस चार, मानते y बराबर एक है दो है तीन है चार है, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे, तो फिर देखो ये वाला ऐसे गया ये वाला ऐसे गया, आपस में क्या बन रहा है यहाँ पे बोलो 90 डिग्री कोण बन रहा, 90 डिग्री का कोण बन रहा, इसको बोलते क्या एक दूसरे के लंबवत, हो गया क्लियर है ना। चले आगे क्या बोलता है, देखिए ये कि सवाल इसको कैसे देखो, सवाल को कैसे मॉडरेट कर रहा, बोला x बराबर माइनस टू है y बराबर थ्री, तो कटान बिंदु क्या, कटान बिंदु मतलब जहां पे कटेगा, अब जहां पे कटेगा उसमें ग्राफ में, ग्राफ में जहां पे कटेगा, तो खुद यहां बोल रहा कि x का वैल्यू क्या है माइनस टू, तो अगर निर्देशांक हम निकाले भाई, अगर निर्देशांक हम निकाले भाई कि निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक आपसे पूछा जाएगा, तो पहले निर्देशांक क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं और वाई लिखते हैं, जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो एक्स और वाई लिखते हैं, तो एक्स का मान कितना है माइनस टू है, वाई का वैल्यू कितना है थ्री है, तो देखो क्या हो गया माइनस टू और थ्री। इसमें बोल तो रहे इस चैप्टर में इस सबसे सवाल पूछता है, अच्छा सवाल पूछता है, इसमें से हर एक टॉपिक से सवाल आता है, भुज वाला से सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो अब बिना बनाए बिना कलम चलाए आप आंसर बना लीजिएगा सेकेंड में, तो आपका टाइम बचेगा और भारी सवाल को छोड़ दीजिएगा। देखिए आ गया किस पाद में है, किस चतुर्थांश में, इसे कुछ कैलकुलेशन करना है क्या, नहीं ना। देखिए दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में हो, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जब दोनों माइनस में तो किस में था, तीसरा में था, याद करो वो डायग्राम शुरू में जो मैंने बोला था, ये जो डायग्राम मैंने बताया था पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, तो किस में है तीसरा में, तृतीय चतुर्थांश। आगे बोला गया क्या, देखिए टू रूट थ्री और माइनस टू, तो हमको यहाँ पे क्या लिखा उसे कोई मतलब नहीं, हमको वहां देखना प्लस में है कि माइनस में है, तो ये क्या है ये है प्लस में और ये क्या है माइनस में, प्लस माइनस किस में आएगा देखो, प्लस माइनस किस में आएगा, प्लस माइनस किस में आ रहा चौथा में आ रहा, प्लस माइनस किस में आ रहा चतुर्थ पाद, किस में हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछेगा ढेर सारा, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछेगा, एक बार एक सवाल तो पूछ लेगा।
अब बिना कलम चलाया बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है क्या, मूल बिंदु से दूरी। एक फॉर्मूला होता है, देखिए जब भी बोलेगा ना मूल बिंदु की दूरी निकाले, मूल बिंदु से जब भी बोलेगा मूल बिंदु से दूरी निकालिए, दूरी क्या निकालेगा, दूरी निकालने बोलेगा, तो इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है। तो अब बताओ इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसको उलट भी सकते हैं सर, हाँ इसको उलट सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पे सवाल रहेगा, तो सवाल देखिए, देखिए सवाल बोला क्या गया, बोला गया यहाँ पे एक बिंदु माइनस तीन और चार है, तो मूल बिंदु बताइए, तो ई वाला एक्स है, ई वाला क्या वाई है। अब आपको पता चल गया ना एक्स कौन है, एक्स यहाँ पे माइनस तीन, वाई कितना चार है, तो बोला गया दूरी मूल बिंदु, देखिए ये समझिए पकड़िए, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी पूछा, क्या बोला गया, मूल बिंदु की दूरी है ना, मूल बिंदु से दूरी आपको निकालना है, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर रूट कर देंगे। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है चार का स्क्वायर, तो बताओ तीन का स्क्वायर नौ होता है ना, और चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह होता है, सोलह नौ कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा, और पच्चीस का वर्गमूल क्या होता है पांच होता है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है चलिए आगे इसी तरह एक सवाल और बना लेते हैं, बाकी तो ढेर सारा सवाल आपको बनाना ही गया है। एक्स का वैल्यू कितना है माइनस छह, वाई का वैल्यू कितना है, अब किताब में देखिएगा इस सवाल को, गोली मारिए कि नहीं, एकदम खोपड़ी में छेद कर देने का, ठीक है ना। तो चलो बताते हैं मूल बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, हाँ मूल बिंदु से दूरी क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है फॉर्मूला का ओवरऑल। आपको मैं बता दूं हमारी क्लास जो है 7 बजे शाम को और 6 बजे सुबह, ये 2 टाइम क्लास चलती है, जरूर क्लास में अटेंड होया करें, ठीक है ना। चलिए तो एक्स का वैल्यू कितना बाबू, माइनस छ, वाई का वैल्यू कितना 8, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया जोड़ेंगे तो 64 36 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता बाबू 10 होता है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। इसमें कुछ करना है बताओ, जब आपको बनाने आ जाएगा ना प्रैक्टिस, इतना लिखना नहीं, डायरेक्ट इस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करके जोड़ो और वर्गमूल घेर के निकाल दो, क्योंकि आपको 10 सेकंड के अंदर बनाना है ऐसा सवाल, बन जाएगा ना ऐसा सवाल, बन जाएगा, बोलो या सुनो बन जाएगा। चलिए आगे सवाल यहाँ पे है, अब सवाल आगे बढ़ते हैं। एक तो मूल बिंदु था, अब यहाँ पे जो दिया रहेगा दो बिंदु दिया रहेगा है ना, यानी कि एक्स वन और वाई वन दिया रहेगा, एक बिंदु रहेगा, फिर एक्स टू और वाई टू, मतलब दो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे तीन चार पांच छह ऐसे दिया रहेगा, और बोलेगा ई दोनों के बीच की दूरी है ना, इसकी क्या करें, बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी निकालना है, तो इसको दूरी निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या है फॉर्मूला, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का ओवर रूट। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का ओवर रूट। देखिए एक तो ये फॉर्मूला चलेगा, इसको आप उलट सकते हैं, एक्स वन के एक्स टू भी लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, लेकिन ध्यान रहे जब एक्स टू एक्स वन किए तो यहां भी वाई टू वाई वन करना पड़ेगा, कुछ समझ आ रहा है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आ जाएगा। देखो इधर एक्स वन एक्स टू तो वाई वन वाई टू एक सिक्वेंस में बड़े हैं, तो वाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स वन तो वाई टू वाई वन, तो कोई फॉर्मूला लिखेंगे ये आ जाएगा, बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है, और बीच की दूरी का फॉर्मूला आएगा तभी आप बना पाओगे। लॉक ओपन करो जी। ओके आगे आगे क्या यहाँ पे बोलता है, अब उसी सवाल आ गया, किसी तल में दो बिंदु ए है 4 6 और बी है 6 4 है ना, 4 6 6 4, तो देखो एक्स वन और वाई वन, तो एक्स वन कितना है, एक्स वन 4 है, एक्स वाई वन कितना है 6 है, फिर एक्स टू और वाई टू, तो एक्स टू कितना है 6 है और 8 है। अब क्या बोला गया, बीच की दूरी है ना, क्या बोला गया, बीच की दूरी, चलिए इसलिए इसकी बीच की दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी यहाँ पे ज्ञात करते हैं, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का ओवर रूट होता है ना, ये वाला होता है। देखो यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे एक्स वन कितना है, एक्स वन कितना है, देखो ये एक्स वन 4 है, एक्स टू कितना है, देखो एक्स टू कितना है 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई वन कितना है, देखिए 6 है, और वाई टू कितना है 8 है, इसका होल स्क्वायर, तो बताइए 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा, माइनस टू का होल स्क्वायर है ना, 8 में 6 घटेगा क्या होगा, माइनस टू का होल स्क्वायर का ओवर रूट हो जाएगा।
तो दो का स्क्वायर कितना होगा, चार होगा, दो का स्क्वायर कितना होगा, चार होगा, और चार चार कितना होता है, चार चार होता है आठ, आठ को हम कैसे लिखते हैं, दो गुना दो है ना, तो जोड़ा मिल गया तो क्या होगा, टू रूट टू हो जाएगा हमारा आंसर, टू रूट टू, टू टू ओपन करो लड़का, ओबियस टू रूट टू हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो इसी बेस पे सवाल बनेगा और आपको बना देना है, तो दो पॉइंट दिया रहेगा आपको क्या करना है, बना देना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक सवाल ये दे दिया है, इसको भी हल करते हैं, और है क्या सवाल, चलिए एक सवाल ये दे दिया है तो बोलो बन जाएगा है ना, बन जाएगा ना जी, बोलो बनेगा ना, बन जाएगा, चलिए तुम्हारा रहेगा होमवर्क, होमवर्क कमेंट करना, ठीक है ना, बन जाएगा होमवर्क कमेंट करना, वही फॉर्मूला। अब इसको हम बताते हैं आपको इसको कैसे बनाना है, ये दिया है क्या, एक्स वन दिया हो चार, वाई वन कितना दिया हो ए दिया हुआ है, एक्स टू दिया हो वन, वाई टू दिया हो जीरो, दूरी पांच है, पहले से दूरी पांच दे रहा, पहले से दूरी क्या दे रहा, फाइव दे रहा, अब समझो यहाँ पे, तो दूरी, दूरी सूत्र हमारा क्या है, दूरी सूत्र क्या बोलता है, दूरी सूत्र बोलता है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का ना, प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का ओवर, यानी बोलता है दूरी का सूत्र, ये बोलता है दूरी का सूत्र, और दूरी पहले से दे दिया पांच, दूरी क्या दिया है, पहले से दूरी कितना दिया है, पहले से दूरी पांच दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूरी जहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइव लिख देंगे। एक्स वन कितना है बोलिए, एक्स वन चार है, और एक्स टू कितना है वन है, ठीक है जी। चलिए वाई वन कितना है ए है, वाई टू कितना है जीरो है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो हमको रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसे लिखते हैं ना, ये पूछेगा दो नंबर सवाल तो ऐसे बनाना है, ऐसे तो दो नंबर में पूछता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग कर दीजिएगा, देखिए जब वर्ग करेंगे तो पांच का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करने पर क्या होगा, पांच का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, चार में से एक घटेगा तीन का स्क्वायर, ऐसे रखते हैं पहले, और यहाँ पे एक में से जीरो घटा तो कोई मतलब तो नहीं रहा ना, इसका स्क्वायर ये हो गया। अब वर्ग करने पर ना, वर्ग करने मतलब इसको का घेर के का किए स्क्वायर कर दिया, और आपको पता है स्क्वायर से रूट कटता है, इसीलिए तो हमने वर्ग किया है, इसीलिए तो मैंने क्या किया, वर्ग किया है, तो पांच का स्क्वायर क्या हो गया, पच्चीस हो गया, तीन का स्क्वायर नौ हो गया, एक का स्क्वायर यही स्क्वायर रखते हैं। चले कभी कभी यहाँ पे गुणनखंड भी आ जाएगा बड़ा सा, आप देखो यहाँ पे इन नौ को इधर भेजो, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 25 में से 9 घटेगा 16 हो जाएगा ए स्क्वायर। अब अगर बोलो स्क्वायर इधर लाएंगे, स्क्वायर लाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर जाने के बाद क्या बनता है, रूट बनता है प्लस माइनस में, है ना, तो क्या होगा प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर 4, ऑप्शन क्या हो गया प्लस माइनस 4 है ना, प्लस माइनस दूरी का क्या हो गया वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4 आ गया, ओके दूरी का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा। चलिए तो ऑप्शन हमारा ए हो गया, सी वाला हो गया राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब सवाल अलग होता है, एक पैटर्न समझ में आ गया, अब दूरी के सूत्र समझ में आ गया। अब बोलता है कि जिस त्रिभुज के तीन शीर्ष के नियामक दिया हो उसकी परिमिति बोलते, परिमिति, अब देखिए परिमिति क्या है सर, नया फंडा कुछ नहीं है, बताते आपको, देखिए एक त्रिभुज है, समझे ध्यान से, एक त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है, ए का वैल्यू कितना दिया है, जीरो और चार है, ठीक है, बी का वैल्यू कितना दिया, जीरो और जीरो दिया, और सी का वैल्यू कितना दिया, थ्री और जीरो दिया। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, आप खुद से बनाइएगा। देखो ए और बी की दूरी निकालना है, तो देखो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर करके निकालिएगा ना, ए बी की दूरी कैसे निकालेगा, इस दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला भी बताया आपको, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो देखो एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर निकालोगे, तो जब इसको बनाओगे ना, इसको बनाओगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो दूरी आएगा चार। इसी तरह से इसको b और c निकालोगे, b और c निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा तीन। अब इस निकालना तुम बन जाएगा, और इसका दूरी निकालना x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 ऐसे करना, तो इसका आ जाएगा तीन पांच आ जाएगा, है ना, तो पांच चार नौ नौ। अब बोलता परिमिति क्या, बोलता परिमिति क्या होता है, सबका जोड़, परिमिति क्या होता है, परिमिति मतलब सबका सब। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि P एक बिंदु दिया हुआ है और Q बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक,
अब एक नया टाइप का सवाल आ गया, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का सवाल पूछता है, तो पहले इसका फॉर्मूला जानना था, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला पे डिपेंड है। अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से बना लीजिएगा। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो गया है कि भाई यहाँ पे ई वाला कौन है, एक्स वन है, ये वाला कौन है, वाई वन है। एक्स वन कितना है, माइनस चार है, वाई वन कितना है, दो है। फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्स टू बोलेंगे आठ को, वाई टू किसको बोलेंगे, छह को बोलेंगे। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, मध्य बिंदु, ये देखिए मध्य बिंदु का नियामक, इसको याद कीजिए मध्य बिंदु का नियामक। तो जब मध्य बिंदु का नियामक बोलेगा तो हमारा यहाँ फॉर्मूला बनेगा क्या, देखिए यहाँ फॉर्मूला, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, नियामक मतलब निर्देशांक, ठीक है ना, मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, x1 को x2 से जोड़ेंगे और दो से कर देंगे भाग, उसी प्रकार y1 को y2 से जोड़ेंगे और दो से कर देंगे डिवाइड, और जो भी हमारा आंसर आएगा इस पे वैल्यू बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ठीक है, ये फॉर्मूला मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला, एक्स वन को एक्स टू से जोड़ो, दो से भाग कर दो, कितना आसान है, वाई वन को वाई टू से जोड़ो, दो से भाग कर दो। एक्स वन कितना है, माइनस चार है, ठीक है, माइनस चार है। x2 कितना है, 8 है, तो प्लस 8 कर दिए, 2 से डिवाइड कर देंगे। y1 कितना है, 2 है, और y2 कितना है, 6 है, और 2 से करेंगे डिवाइड, तो 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा बटा 2, 6 दो 8 बटे 2। अब बताओ 4 बटे 2 काटेंगे तो 2 दूना 4 कटेगा, 2 चौक 8, देखिए 2 चौक 8, तो क्या आ गया, 2 और 4 हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है, और ये सवाल बहुत बार हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और आपको एक खास बात बताता हूँ, ये सवाल दो नंबर में भी पूछ लेता है, एक नंबर तो पूछता है, दो नंबर में पूछता है, तो आपको दोनों तरफ से लड्डू मिलने वाला है, इधर ऑब्जेक्टिव से भी और सब्जेक्टिव से भी, ठीक है। बस इसको याद करना, मध्य बिंदु का बोलेगा तो एक्स वन को एक्स टू से जोड़ेंगे, दो से भाग करेंगे, वाई वन को वाई टू से जोड़ेंगे, दो से भाग करेंगे। इस टाइप का मेरे ख्याल से एक सवाल और लेते हैं, देखिए है ना, मध्य बिंदु का नियामक। अब आपको पता चल गया मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला, है ना, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला पता चल गया। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है फॉर्मूला, x1 को x2 से जोड़ेंगे और दो से भाग करेंगे, मेरे साथ बोलिए आप भी, y1 को y2 से जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे, तब हमारा होगा फॉर्मूला बनेगा। अब बताओ भाई, अब x1 कौन है, देखिए ये वाला x1 है कितना, 2, x2 कितना है, 4, 2 प्लस 4 बटे 2, y1 कितना है, माइनस 4, और y2 कितना, माइनस 2। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ देखो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे थोड़ा एक लाइन हम शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 4 और 2 6 बटे 2 हो जाएगा, और 4 2 6 माइनस 6 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भाग करेंगे 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 3 प्लस में और 3 माइनस में, 3 प्लस में और 3 माइनस में, देखिए आ गया। तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए हम इस सवाल को आराम से हल कर लेंगे। अब इसी सवाल पे एक अलग टाइप का सवाल, अब क्या बोला गया, वृत्त के व्यास, देखिए सवाल कैसे घुमाता है, हालांकि बड़ा आसान सवाल है, बोलता क्या है, देखिए वही सवाल, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, व्यास मतलब देखिए एक वृत्त है, देखो ये क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पे ये क्या है, वृत्त के बाद ये क्या देते हैं, व्यास, ये क्या है, व्यास है। तो मानते हैं ए और बी क्या है, व्यास है, व्यास कहाँ से होता है, बी से गुजरता है ए बी। अब बोला सिरों का नियामक, मतलब ए का वैल्यू दे दिया है 4 - 2, और बी का वैल्यू कितना दे दिया है, -4 और 2, ऐसे दे दिया। तो बोलता है कि केंद्रक का निर्देशांक, तो इसके बीच में क्या होगा, बताओ जरा, ए और बी लाइन है, इसके बीच में क्या होगा, यहां पे होगा मेन पॉइंट। तो आप छोड़ दो वृत्त है कि नहीं, छोड़ दो, एक लाइन है, दो बिंदु दिया हुआ है, और इसके बीच में, क्योंकि केंद्रक तो बीच में होता है, और मध्य बिंदु तो उसी को बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं मध्य बिंदु का नियामक, उसी को बोलते हैं। तो अगर हम निकालें यहां पर केंद्रक बोल रहा था, हम लिख देते केंद्रक, कोई दिक्कत नहीं है ना, केंद्रक क्या बोलते हैं, वृत्त के, चलो वृत्त के लिखते हैं, वृत्त के केंद्रक का नियामक, वृत्त के केंद्रक का नियामक, केंद्रक का नियामक। तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, चूंकि केंद्रक क्या है, मध्य बिंदु है, केंद्रक क्या है, मध्य बिंदु है, फॉर्मूला x1 को x2 से जोड़ दीजिए और दो से भाग कर दीजिए, फिर y1 को y2 से जोड़ दीजिए, दो से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या, केंद्रक हो जाएगा, चलिए यानी कि मध्य बिंदु होगा। अब बना दीजिए भाई फास्ट में, बनाइए फास्ट, x1 कितना है, देखिए x1 कितना, 4 है, x2 कितना है, माइनस 4, देखिए ध्यान से ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है ना। फिर देखो y1, अभी इसको नहीं करो, ये बंद करो, y1 कितना है, देखिए y1 कितना है, माइनस 2 है, और y2 कितना है, प्लस 2, तो प्लस है प्लस, तो प्लस प्लस, तो प्लस ही रहेगा यहाँ पे,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, चार में से चार घटेगा जीरो हो जाएगा, जीरो बटे दो, दो में से दो घटेगा जीरो बटे दो। अब आपको पता है जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जीरो जीरो होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, आ गया जीरो जीरो। कितना आसान सवाल है, कितना हल्का सवाल, बस सवाल को पूछने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा आराम से। अब देखो सेम सवाल, वही सवाल, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया, कैसे घुमाया, एक रेखाखंड है ए बी, क्या एक रेखाखंड, समझिए ध्यान से, ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, और बिंदु पी एक मध्य बिंदु को बोला, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच एक बिंदु जिसका नाम क्या पी है। अभी हम लोग निर्देशांक निकाल रहे थे, मध्य बिंदु का निर्देशांक पी है, और पी का वैल्यू कितना दे दिया, दो और चार, क्या है, दो और चार पी का मान है। बोलता है यदि बी का नियामक छ आठ है, बी का नियामक कितना है, छ आठ है, तो बोलता है ए का नियामक क्या होगा। समझो ध्यान से, ये हमारा क्या एक्स वन है, ये वाई वन है, कोई बिंदु तो आएगा, और ये क्या है एक्स टू है, और ये वाई टू है, और ये क्या है, ये एक्स और वाई है, है ना भाई, एक्स वाई का बिंदु, क्या एक्स और वाई है। अब हम जानते हैं मध्य बिंदु, हमको क्या निकालना है, एक्स वन निकालना और वाई वन निकालना है। अब समझो अगर मध्य बिंदु का नियामक एक्स निकालते हैं, मध्य बिंदु से देखो ये जो निकाले क्या है एक्स है और ये वाई, ये जो मध्य बिंदु का जो नियामक निकला है, ये जो मध्य बिंदु का नियामक निकला, ये क्या है एक्स है, ये वाई, तो यही वाला हमको दिया हुआ है, यही वाला दिया, यानी कि एक्स बराबर तीन है, वाई बराबर माइनस तीन है, यही वाला हमको दिया हुआ है, यही वाला दिया एक्स बराबर दो वाई बराबर चार। तो एक्स का फॉर्मूला कैसे आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तब ना एक्स का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि देखो यही तो है मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और यही निकला, निकलते 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 एक्स का मान निकल गया, तो बोलेंगे एक्स बराबर ये फॉर्मूला, वाई बराबर ये फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे जो क्या क्या वैल्यू दिया, एक्स का मान कितना दे दिया, एक्स मान कितना दिया, दो दिया, चलिए ठीक है दो दिया, एक्स वन का वैल्यू नहीं मालूम चूंकि निकालना है, एक्स टू का वैल्यू कितना दिया, छः दिया बटे दो, तो दो क्रॉस गुना हो जाएगा, दो दुना चार एक्स प्लस सिक्स, तो क्या करेंगे बाबू अब बताओ, छः को इधर लाओ, है ना, चार माइनस छः बराबर एक्स, तो हम बोल सकते हैं सर जी कि एक्स बराबर क्या गया, माइनस टू आ गया, कितना आ गया, दो आ गया। उसी तरह से क्या करेंगे, वाई का निकालेंगे तो वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई वन प्लस वाई टू बटे टू, है ना, ये होगा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, चार दिया हुआ है, और वाई वन कितना है नहीं मालूम चूंकि वाई वन तो हमको निकालना है, और वाई टू कितना है, आठ है बटे दो, अब बताओ क्रॉस गुना हो, दो चौक आठ, वाई वन प्लस वाई यहाँ पे क्या आठ है। अब क्या करेंगे, जब आठ को इधर भेज देंगे, लो भाई तो प्लस में आ गया, प्लस था क्या हो गया, माइनस हो गया, तो y1 बराबर क्या हो गया, y1 बराबर आठ में से आ गया जीरो, तो इसका नियामक क्या हो गया, x1 वही x मतलब यहाँ पे क्या x, लो भाई x1 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 यहाँ पे क्या करें, y1 y1 y1, तो x1 कितना आ गया, दो आ गया, माइनस दो आ गया, y1 कितना आ गया, जीरो आ गया, माइनस दो, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस दो और जीरो, क्या आ गया, माइनस दो और जीरो, माइनस दो और जीरो, क्लियर है। मतलब हमको पहले से बिंदु का वैल्यू पहले से दिया हुआ हमारा है, तो फॉर्मूला भी वही अप्लाई होगा दोनों तरफ, है ना। चलिए अब एक सवाल बना लिया, अब सवाल का अब रुख बदलता है, अब क्या बोलता है यहां पे समझिए, सवाल का रुख, एक मिनट यार, एक मिनट, सवाल का यहां पे थोड़ा सा मोड बदल देता है, ये सवाल ये देखो, ये समझो यहां पे, चलिए देखो सवाल क्या दिया, एक सवाल ऐसे देगा, एक ट्रायंगल है, अभी जो सवाल देंगे ना, जो सवाल आने वाला वही इसी पे बेस है, ए बी सी नाम का क्या एक ट्राइंगल है, ए का वैल्यू होगा एक्स वन वाई वन, कुछ तो होगा ना, एक्स वन वाई वन कुछ वैल्यू होगा, पॉइंट होगा, इसका पॉइंट का नाम क्या है एक्स टू और वाई टू, इसका पॉइंट का नाम क्या कर देंगे एक्स थ्री और वाई थ्री, ये तीन पॉइंट है, तो बोला गया इसके केंद्रक का नियामक, केंद्रक मतलब इसके बीच का, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोला गया केंद्रक, क्या बोला गया इसको केंद्रक, तो बीच का नियामक क्या होगा, तो केंद्रक का नियामक जब पूछेगा ना, बहुत आसान फॉर्मूला, बहुत आसान, एक बार में याद हो जाएगा, केंद्रक का नियामक, केंद्रक का अगर नियामक आपसे पूछेगा, केंद्रक का नियामक तो क्या करेंगे, बहुत आसान, बहुत आसान, x1 x2 x3 जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ दिए, और तीन पीछे ना तीन से भाग कर देंगे, उसी प्रकार y1 y2 y3 जोड़िएगा, बोलिएगा सर इतना हल्का फॉर्मूला है, तो चटनी बना देंगे, है ना जी, खाली एग्जाम में पूछ ले, देखिए बस ऐसी बनाइएगा, वैल्यू बैठाइएगा, जो सवाल दिया रहेगा उसका मान बैठा देंगे और डिवाइड कर देंगे, हमारा केंद्र का नियामक आ जाएगा, तो त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के जब बोला केंद्र का नियामक, तो ये फॉर्मूला, अब देखो वही सवाल दिया हुआ है, यही सवाल देखो, एक केंद्रक दिया हुआ है चार पांच, एक दो तीन दो एक दो दो, तो बोलता केंद्रक का नियामक, है ना, चलिए केंद्रक का नियामक,
तो आपको पता चल गया। अब इसको देखो, अब तो यहां पे हमको लिखने की जरूरत नहीं, क्या बोलेंगे एक्स वन वाई वन, ये वाला क्या होगा एक्स टू और वाई टू हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला एक्स टू वाई टू, ये क्या हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री। ये ऑब्जेक्टिव इसलिए ऐसे बना दे रहे, सब्जेक्टिव सवाल पूछेगा ना तो लिखिएगा एक्स वन वाई वन बराबर कितना दिया हुआ है, चार पांच है ना जी, एक्स टू वाई टू क्या दिया हुआ, थ्री टू, ऐसे लिखना पड़ेगा। एक्स थ्री और वाई थ्री क्या दिया हुआ है बाबू, दो दो। अब क्या लिखना है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है केंद्रक का नियामक है ना, इसलिए केंद्रक का नियामक, केंद्रक का नियामक निकालना है। तो केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला पता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री तीनों को जोड़ के तीन से डिवाइड कर देंगे, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री तीनों को जोड़ो तीन से डिवाइड करो। चलिए भाई तो जोड़िए, और क्या एक्स वन कितना है, चार है, एक्स टू कितना है, थ्री है, एक्स थ्री कितना है, टू है, बटे तीन। यहाँ पे देखेंगे वाई वन कितना है, पाँच है, वाई टू कितना है, दो है, वाई थ्री कितना है, दो है, बटे तीन। हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो आसान हो गया सर जी है ना, चार तीन सात दो नौ बटे तीन, यहाँ भी नौ बटे तीन, तो नौ बटे तीन कितना होता है, तीन होता है, ये भी तीन होगा, तीन तीन, यानी कि हमारा आंसर क्या है, कितना हल्का सवाल है, बस आपका थोड़ा सा टाइम। अगर फॉर्मूला याद है तो क्या करेंगे, सिंपल, हमको फॉर्मूला अगर याद है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चार तीन सात दो नौ बटा तीन, तीन आएगा, पांच दो सात दो नौ बटा तीन, तीन आएगा, तुरंत आंसर आ गया, सेकेंडो में आंसर आ गया। कब होगा, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब, ठीक है। चलिए आगे सवाल क्या बोलता है, अब आगे सवाल कैसा है, चलिए हाँ, अब देखो सवाल उसी टाइप का, अब केंद्रक का वैल्यू दे दिया, देखिए एक त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ए का मान कितना दिया, दो और तीन दिया, ठीक है ना, और बी का वैल्यू कितना दिया, वन और माइनस थ्री दिया, और सी का मान नहीं दिया है, एक केंद्रक का वैल्यू दे दिया कितना, तीन और जीरो। अभी केंद्रक का मान जैसे कैसे वो था, मध्य बिंदु का वैल्यू दिया था, उसे अभी केंद्रक का वैल्यू दे दिया, केंद्रक का वैल्यू दे दिया कितना, केंद्रक का वैल्यू दे दिया तीन और जीरो। अरे बोलता है इसका मान निकालो, तो देखो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये वाला एक्स वन वाई वन है, ये वाला क्या है एक्स टू और वाई टू है, ये क्या होगा एक्स थ्री और वाई थ्री, मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्स थ्री और वाई थ्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको हिंट करते हैं, देखो देखो ध्यान से, ये जो निकला ये क्या है, ये जो निकला एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो निकल का है वैल्यू, एक्स से निकला, ये क्या निकला वाई निकला, एक्स का वैल्यू ये निकला, वाई का वैल्यू ये निकला, ठीक है ना। तो जब हमको एक्स का निकालना हो तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जब वाई निकालना तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, जब एक्स से बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे तीन। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, ये ना ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वन तीन दिया हुआ है, एक्स वन कितना है दो है, एक्स टू कितना है वन है, एक्स थ्री तो हमको निकालना है बटे तीन। तो देखो तीन तिया नौ हो जाएगा, दो एक तीन प्लस एक्स थ्री, तो मुझे बताओ ये तीन इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो बताओ भाई एक्स थ्री बराबर क्या होगा, एक्स थ्री बराबर छः है कहीं पे, देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा छः, अब बाकी कहीं छः है नहीं, तो बन जाएगा और क्या। अब चाहो तो वाई भी निकाल सकते हो, यहाँ ऐसे यहाँ से मेरा आंसर आ गया है, वाई बराबर निकाल सकते हो, वाई वन प्लस वाई टू, दिल की तसल्ली के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं है ना। तो y का मान कितना दिया, देखिए y का मान जीरो दिया है, चलिए ठीक है, y वन का वैल्यू थ्री है, y टू का वैल्यू माइनस थ्री, तो प्लस माइनस कर दे डायरेक्ट यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस थ्री, और y थ्री का वैल्यू तो हमको निकालना है। देखिए भाई यहाँ पे क्या हो गया, तीन जीरो से गुणा होकर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तीन में से तीन गया जीरो, मतलब बचा क्या वाई थ्री, तो एक्स थ्री छः वाई थ्री जीरो, छः तो जीरो आ गया हमारा आंसर। तो अगर अगर ऐसे सवाल दे, अगर इनमें यहाँ पर इनमें से कोई नहीं तब हम देखते बना करके, लेकिन अगर चारों ऑप्शन है तुरंत देख रहे छः है भाई, तो फिर तो यही आंसर होगा, फिर तो दूसरा का कोई उपाय ही नहीं है। आगे बनाते हैं, अब आगे जो है सवाल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब समझ लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक त्रिभुज दिया जाएगा, देखिए ध्यान से, ए ये सब सवाल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दो नंबर पूछेगा, तुम्हारा दोनों फायदा है, दो नंबर सवाल में हर हाल में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा है ना। चलो तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन है, यहाँ पे क्या है एक्स टू है और वाई टू है, यहाँ पे क्या एक्स थ्री है और वाई थ्री है। अगर ये पॉइंट तीन पॉइंट दे दे और बोले कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक बटे दो एन टू, हम बता अपना फॉर्मूला बताते हैं, मेरे देखो ऐसे याद किया मैंने, वन
वन टू थ्री, देखिए यहाँ पे ये जो लिखा ना वन टू थ्री प्लस टू थ्री वन प्लस, इसको थोड़ा सैड करते हैं, छोटा करते हैं, है ना, टू थ्री वन हो गया प्लस थ्री वन टू हो गया, बस इतने फॉर्मूला था। तो आपको याद करना वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू। अब देखिए इसमें 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 देखिए याद कैसे करेंगे, या एक चीज समझिए, यहां पे बीच में प्लस होना है, ये बात देखिए, फिर वन जो ब्रैकेट के अंदर घेरा हुआ है वो वाई वाला घेरा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर हमेशा वाई वाला, और दोनों वाई के बीच माइनस का साइन भी है, और जो बाहर है एक्स है, एक्स वाला है। तो वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू, दस बार बोलो याद हो जाएगा, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू, वन टू थ्री। अब याद करना इधर एक बटे दो होगा, और वन टू थ्री तो जो वन लिखेंगे वो एक्स वाला लिखेंगे, टू थ्री वाई वाला लिखेंगे, अब बीच में माइनस का साइन, फिर प्लस टू थ्री वन, थ्री वन टू, ऐसे हम बनाएंगे। अब देखिए सवाल, अब बोला कि आप पे त्रिभुज दिया हुआ, अब बताओ ये वाला एक्स वन है, ये वाला क्या है वाई वन है। अब आपको पता चल गया एक्स वन वाई वन को लिखने की जरूरत है, दो नंबर सवाल में पूछेगा ना, जब दो नंबर सवाल में पूछेगा तो आपको लिखना है, जैसे लिखे थे एक्स वन बराबर एक्स वन वाई वन बराबर जीरो वन, एक्स टू और वाई टू बराबर जीरो फाइव, एक्स थ्री और वाई थ्री बराबर थ्री फोर, है ना जी, एक्स थ्री और वाई थ्री, ठीक है। तो हम ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, अब निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले फॉर्मूला, चलिए मेरे साथ बोलिए क्या फॉर्मूला था, एक बटे दो, बोलिए वन टू थ्री, वन टू थ्री हो गया, वन टू थ्री, थ्री क्या लिखेंगे, टू टू थ्री वन, टू थ्री वन, फिर क्या होगा थ्री वन टू, थ्री वन टू हो गया, इसको ऐसे पैक कर देंगे, चलो पैक करें। अब क्या करेंगे, वैल्यू बैठाओ वन बाई टू, ध्यान से वैल्यू बैठाइएगा, एक्स वन कितना भाई जीरो है, वाई टू कितना है वाई टू फाइव है, वाई थ्री कितना है चार है, आ गया, एक्स टू कितना है, देखिए एक्स टू कितना है जीरो है, वाई थ्री कितना है, वाई थ्री कितना है चार है, और वाई वन कितना है वन है, ध्यान से बैठाना है, एक्स थ्री कितना है, देखो एक्स थ्री कितना है थ्री है, वाई वन कितना है वाई वन वन है, वाई टू कितना है पांच है, हो गया। चलिए देखो आप खुद बताओ, जीरो से क्वेश्चन को, ये तो जीरो, देखो जीरो गुना में है और यहाँ पे है, तो जीरो से क्वेश्चन को गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, ये भी चार में से एक घटेगा तीन, जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, चार में से घटेगा तीन होगा जी, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तीन है, पांच में से घटेगा माइनस चार, हम ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, देखो वन बाय टू आ गया, ये तो जीरो हो गया, प्लस माइनस माइनस चरतिया बारह, चरतिया बारह, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे आएगा लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, यहाँ पे गुना है, गुना है, ये मोड से बाहर निकाल दो, है ना, मोड एक एक मोड टाइप का था, यहाँ पे था मोड टाइप का, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बारह दो छक बारह, क्या गया माइनस छः, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में प्लस में होता है हमेशा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे था मोड, ये ऐसे था, है ना, और मोड से मोड के अंदर से साइन जब आता है तो माइनस भी प्लस बन जाता है, माइनस भी प्लस बन जाता है, समझ आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला था। अब देखो क्षेत्रफल, फिर बोलता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अब ये आप लोग खुद से बनाओगे ना, फिर मैं कितना बोलूँ एक चीज को, यही सेम सवाल दिया हो, सेम क्वेश्चन, बस फॉर्मूला बैठाइए और आंसर बताइए, ठीक है ना, तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में रहेगा जो भी दिया जाएगा, ये आप लोग बनाइएगा। आगे क्या बोलता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा, अब समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो कब होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर कब होगा, कब कब होगा, जब तीनों शीर्ष एक दूसरे के, जब तीनों शीर्ष संरेख होगा, क्या होगा संरेख होगा, समझाया, यानी कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जीरो हो गया तो उसको बोलेंगे संरेख, क्या बोलेंगे संरेख, बोला गया एक ही रेखा पर संरेख, एक ही रेखा पर। अब देखिए ऐसे सवाल बनता है, सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए पी का मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया, आर का मान दे, त्रिभुज का तीन शीर्ष का नाम दे दिया, अब बोला कि ये तीनों से होता है संरेख, मतलब ये तीनों बिंदु से अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो बोलता है यहाँ पे के का मान क्या, जो के लिखा हो ना, के का वैल्यू क्या है, तो चलो इसको तो बना देते हैं आपको। अब यहाँ पे आप खुद बता दो, यहाँ पे पहले आप मुझे यहाँ पे खुद बता दो, यहाँ पे आपको खुद बताना पड़ेगा, ये क्या है एक्स वन है, ये वाई वन है, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा इसलिए आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक्स टू कितना है चार है, वाई टू कितना है के है, एक्स थ्री कितना है छः है, वाई थ्री कितना है माइनस थ्री है। अब चूंकि यहाँ पे बोला गया, चूंकि त्रिभुज क्या है, चूंकि चूंकि बिंदुए क्या है, चूंकि बिंदुए क्या है भाई बोलो,
संरेख है ना जी, क्योंकि बिंदु क्या है संरेख, क्योंकि बिंदु क्या है संरेख है। अब संरेख होने का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा। संरेख का तो ही मतलब है, अभी आपने पढ़ा संरेख कब होता है, जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जीरो हो जाएगा। चलो जीरो हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, पहले फॉर्मूला एक बार फिर से लिखिए, लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है ताकि याद हो जाएगा। बोलो 1 2 3 1 2 3 +2 3 1 +3 1 2 1 2 3 3 2 3 1 3 1 2 ठीक है ना, बराबर में जीरो। अब मुझे बताओ भाई ये जो 1/2 गुना में है इधर जाके क्या बन जाएगा भाग में, जीरो को कोची से भाग करते क्या होता है जीरो हो जाता है। तो इसका कहानी तो खत्म हो गया, 1/2 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, कहानी खत्म। चलो x1 कितना देखो, x1 कितना है 2 है, ध्यान से। y2 कितना है y2 कितना k है, y2 k है। और y3 देखो कितना है -3, क्या है -3। और ये फॉर्मूला भी माइनस है तो माइनस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं प्लस, इतना हम कर लेंगे ठीक है ना। x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया कितना 4 दिया है, चलिए 4 लिखते हैं। y3 कितना है, देखिए y3 -3, चलो यहाँ पे कुछ करना है। y1 कितना है 3 है ठीक है ना, प्लस x3 कितना है, x3 देखो 6 है। y1 कितना है, y1 कितना 3 है। और y2 कितना है, देखिए k है ना, बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। चलो भाई अब क्या करेंगे, आप देखें 2 को कैसे गुना करेंगे, 2k प्लस 2 3 6। यहाँ पे देखो 3 3 कितना हो गया -3 -3 -6 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हम एक लाइन बढ़ा शॉर्ट करते हैं। देखो -3 -3 कितना होगा -6, और इस जोड़ेंगे कितना आएगा -6, और 6 4 24 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 6 4 24 आ जाएगा उस तरह से। यहाँ तो 6 3 18 और प्लस माइनस माइनस 6k है ना, बराबर में लिख दो 0 और क्या, मोड हटा दो कोई दिक्कत नहीं, मोड का कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पे 6k में से 2k घटेगा तो क्या होगा -4k हो जाएगा ठीक है ना। अच्छा भाई और क्या 18 6 24 होता है, देखो ध्यान से यहाँ तो काट दो यहाँ पे, चलो 18 6 24, अरे माइनस भी क्या है 24, बराबर में क्या है 0 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे, हाँ देखो 24 24 जो दिया यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 24 प्लस में माइनस में क्या होगा कट गया, तो -4k इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब आप खुद बताइए यहाँ पे -4 में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा 0/-4, इसका मतलब क्या हो गया 0, यानी कि क्या हो गया k का मान क्या आ गया 0 आ गया ठीक है ना। यानी कि हम k का वैल्यू अगर 0 रखते हैं ना, और जब इसको बनाते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा, जब k के जगह पे 0 रखें। देखो देखो k के जगह पे 0 रखो, 4 × 0 0 हो गया, चूंकि तो ऑलरेडी 0 आ गया, ये भी 0 हो जाएगा। तो k के मान अगर 0 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या संरेख। चलिए भाई ये क्या है, अच्छा ये लगता है आखिरी सवाल है, अभी सवाल को समझ लेते हैं ना, सवाल को बनाने से पहले क्या होता है, ये सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, हाँ इसको बोलते हैं क्या विभाजन सूत्र, हाँ इसको याद कीजिए विभाजन सूत्र है, विभाजन ये आपको पूछेगा 2 नंबर सवाल में भी, और एक नंबर सवाल में पूछता है। तो एक सवाल में दे दिया हूँ, 1 नंबर सवाल में पूछ सकता है, कोई भी कभी पूछ सकता है, लेकिन 2 नंबर सवाल में हर हाल में पूछता है, 1 नंबर में नहीं पूछे तो 2 नंबर में पूछेगा है ना। विभाजन सूत्र आपको बनाना है। विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे देखिए एक रेखा है ना, एक रेखा मानते हैं यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, और कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी बीच में नहीं, बीच में भी रह सकते लेकिन कहीं पर भी ले लिया, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया पी नाम का ले लिया ठीक है ना, बिंदु ले लिया। अब इसका नाम दे दिया x1, इसका नाम दिया y1, इसका नाम दिया x2, इसका नाम दिया y2। अब इसका नाम क्या है x और y है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसका नाम दे दिया m, और यहाँ से यहाँ तक नाम है इसका नाम दे दिया m, इसको m1, इसको बोला गया m2। यानी कि कोई एक रेखा है, जैसे मानते हैं 5 मीटर लंबी रेखा है, सपोज डैट इस बीच से काट दिए, ये 2 मीटर ये 3 मीटर, तो बोलेंगे इस रेखा का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे 2:3 है, कितना है 2:3 है। तो इसी को बोला गया M1, इसी को बोला गया M2, बाकी 2 पॉइंट दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि विभाजित करने वाला बिंदु, विभाजन फॉर विभाजन सूत्र, मतलब ये जो विभाजन कर रहा ना इसको बताना है। तो विभाजन देखिए, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र यानी कि पी का मान निकालने बोलेगा, तो पी का वैल्यू निकालने बोलेगा, विभाजन सूत्र से पी का वैल्यू निकालने बोलेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या करेंगे, देखो x1 को इससे गुना करेंगे, और x1 नहीं m1
एम वन इसको इससे गुना करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, एम वन को गुना करेंगे एम वन को एक्स टू से गुना करेंगे, फिर एम टू को इससे गुना करेंगे, ठीक है, एम वन एक्स टू और फिर क्या होगा, एम वन एक्स टू और एम टू एक्स वन। देखिए एम पहले हम एम वाला लेते हैं, पहले हम जैसे पहले एक्स वाला लेंगे फिर वाई वाला लेंगे, तो एम वन पहले इधर वाला से गुना होगा फिर एम टू एक्स वन से गुना होगा, तो एम वन एक्स टू और एम टू एक्स वन से, एम टू एक्स वन बटे, अब बटे में क्या करेंगे, एम और एम वन और एम टू को जोड़ देंगे, एम वन एम टू को क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक फॉर्मूला एक्स का वैल्यू निकलेगा यानी कि इसका मान निकलेगा, और वाई का मान फिर करेंगे एम वन वाई टू, एम वन वाई टू और क्या करेंगे एम टू वाई वन, एम टू वाई वन और बटे में क्या करेंगे एम वन प्लस एम टू कर देंगे, ये हमारा बनेगा क्या विभाजन सूत्र। अब इसी को हम अप्लाई कर लेते हैं वहां पे, चले देखिए यही सवाल है ना, इसको अप्लाई करते हैं, सॉरी इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ना, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह ले लेगा, बिंदु यहाँ पे दिख रहा, चलिए देखिए ये जो यहाँ पे एक्स वन कितना दिया, आप यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन कितना दिया, वन वन दिया है, यानी कि एक्स वन भी वन है वाई वन भी वन है, फिर एक्स टू और वाई टू, एक्स टू कितना दिया है दो और तीन है, यानी कि एक्स टू दो है वाई टू तीन है, और ये जो अनुपात दिया इसको क्या बोलते हैं, एम वन अनुपात एम टू है ना, तो एम वन दिया है भी दो और एम टू भी दिया है तीन, एम वन दो तीन, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बैठाएंगे क्या विभाजन फॉर्मूला, ये बोलता है कि विभाजित करती है किस बिंदु पर विभाजित, उस बिंदु का नियामक निकाले जो विभाजित करती है, तो क्या निकालेंगे विभाजन सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला बोलो, याद है फॉर्मूला, एम वन को गुना करेंगे एक्स टू से, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन प्लस एम टू एक्स वन को अकर के क्या करेंगे एम वन एम टू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एम वन वाई टू करेंगे, फिर एम टू वाई वन करेंगे और फिर एम वन प्लस एम टू कर देंगे, आगे हमारा अब क्या करेंगे अप्लाई, बहुत बस ये फॉर्मूला भर दे रही है, देखिए एम वन कितना है दो है ना, एम वन दो है, एम वन एम टू और एक्स टू कितना है, देखिए एक्स टू कितना है दो गुना दो, एम टू कितना है थ्री है, एक्स वन कितना है वन है, बटे में क्या करेंगे दो प्लस तीन एम वन एम टू जोड़ देंगे, चलिए एम वन कितना है देखिए दो है, वाई टू कितना है वाई टू थ्री है, एम टू कितना है भाई एम टू तीन है, वाई वन कितना है देखिए वाई वन वन है, बटे टू प्लस थ्री, ये सवाल पूछता है दो नंबर सवाल में, दो दुना चार और तीन दुना दो दुना चार, तीन एकम तीन बटे पांच, तीन दुना छः प्लस तीन एकम तीन बटे पांच, तो चार तीन सात बटे पांच, छः तीन नौ बटे पांच, ऑप्शन में है क्या जी, ऑप्शन है सात बटे पांच नौ बटे पांच, देखिए तो यहां पे आपको ये सवाल दे देगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमारा हो गया कंप्लीट, ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो अब फिर से बता दूं बैच इसको लेना है तो ये मोबाइल नंबर 8210 42 32 00 यहाँ पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सअप करेंगे आपको वहां पे जोड़ दिया जाएगा, है ना, 299 एकदम, फिर बाद में पछतावा ना हो बाद में कि यार हमने कोर्स नहीं खरीदा और मेरा नंबर कम आ गया, इसीलिए आप इसको जरूर परचेज कर लीजिए, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिलेगा वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज होगा, चैप्टर वाइज होगा, है ना, जो कि बहुत बेनिफिट होगा, क्वेश्चन बैंक आप लोग डाल देंगे वहां पे, मॉडल सेट कम से कम 10-10 सेट डालेंगे, मार्केट से खरीदते हैं 5-5 सेट रहता है ना, यहाँ पे 10-10 सेट डालेंगे मॉडल सेट, ठीक है ना, गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा और लाइव क्लास चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस आपको होने वाला है, ठीक है ना। बाकी हमने आपको जो होमवर्क दिया है ये होमवर्क का आंसर कंप्लीट कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा होमवर्क का आंसर, और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, पढ़ने मजा आया, पूरा समझ में आया है ना, इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर रिविजन कर लो और वीडियो को सेव कर लो, है ना, एक से दो बार देखोगे ना ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, ठीक है, तो लास्ट करते वीडियो को, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।